पंडाल दे विच सज बैठे मेरे किसान वीर नौजवानों मेरी माताओं मेरी भैनों बच्चियों और स्पिरिचुअल बिराजमान लीडर साहिबान सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जिस तरह तुसी सारे जानते हो कि अंदोलन शुरू होए दिल्ली पहुंचे लगभग 4 महीने का समा हो गया और इन 4 महीनों आप दो हिस्सों में वंड सकते। पहले 2 महीने 26 जनवरी तक ते अगले 2 महीने 26 जनवरी तो लैके 26 मार्च तक ये दो हिस्से अपने आप में बिल्कुल वक्रो वक्त। जिहड़े पहले 2 महीने हैं उन्होंने 2 महीनों का अंदोलन उस अंदोलन की शानो शौक चढ़त उत्साह आपस प्रेम भाईचारा इतफाक उसकी वक्री मिसाल है कि 26 जनवरी तो बाद जिहड़े आ 2 महीने गुजरे हैं इहदा अलग इतिहास क्योंकि 26 जनवरी दीआं घटनावां तो बाद जो कुछ वापरिया वो बहुत चिंताजनक कोशिशां बहुत पहलों भी हुंदियां रहियां। पहले 2 महीनों में भी कोशिशां होईयां अंदोलन दे विच पैलीटेशन दीआं इसनूं कमजोर करन दीआं इसनूं खंडाउण दीआं इसमें खिलाफ डिसेप्शन सिर्जन दीआं पर उन्होंने किसी भी योजना के सरकार या उस एजेंसियां कामयाब नहीं हुई और जिहड़े अगले 2 महीने असी लंघे ने मैनू लगता है कि सरकार को बहुत घट करना पिया है उसके मनसे जिहड़े हैं वो आप मुहारे ही पूरे हो गए इसलिए असी इन्हां नूं अलग अलग कर सकते। मैं अज ये गल कहना चाहवांगा कि एड्डा वड्डा अंदोलन जिस विच इन्नियां वड्डियां शहादतां एड्डी वड्डी कुरबानी इन्ने वड्डे एफर्ट्स इन्नी वड्डी तपस्या होई है कि उससे विच जे कोई खड़ोत है जे कोई निराशा है या बेभरोसगी है कि उसकी वजह जिहड़ी है जिन्ना चिर असीं ईमानदारी नाल कबूल नहीं करदे उन्ना चिर असीं कहने नूं कही जाइए स्टेजा ते मैं भी कह के चला जावांगा कि मोर्चा चढ़दी कला च है अपने पुराने रौं विच परत आया है साडे लीडर साहिबान भी कही जाएंगे असीं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ साडी एकता है साडा किसे नाल कोई गिला नहीं है साडा किसे नाल कोई वतरेवा नहीं है पर असी वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकांगे जिस लक्ष्य लिए असी मोर्चा चलाया है और चला रहे हैं। साडा लक्ष्य इस मोर्चे को जितना है जिहड़ा असी तय किया है कि 3 काले कानून रद्द करवाने हैं और MSP की गरंटी है। मैं अपने तजर्बे तो कह सकता हाँ कि मैं की महसूस किया 26 जनवरी की घटना जड़ी सी कह लो कहते हैं लोग अनएक्सपैक्टेड आ इस तरह असी सोचा नहीं जिस तरह हो गया पर यह एक्सपैक्टेड सी कि इसने एवें ही होना सी क्योंकि इस स्टेज तो जिस तरह का माहौल बनाया गया सी नौजवानों जिस तरह दी कॉल दित्तियां गई सी जिस तरह के उन्होंने इमोशन बिल्ड किए गए सी उस तो बाद असी नहीं यकीन ना ये कह सकते सी कि उत्थे कुछ भी यहोजा हैपन नहीं वापरेगा या जिवें असी चाहवांगे उवें हो जाए हो सकता सी जिवें असी चाहते उवें भी हो सकता सी पर जे असी वो इमोशन बिल्ड करने जड़े जिस तरह की साड़ी स्टेटमेंट सी असी उस तरह की तैयारी की हुई उस नौजवान के इमोशन अगवाई करने वास्ते असी अपने आप को उस तरह पेश किया होंगे तो हो सकता सी
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਭਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ।